हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं अर्चना सिंह, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज देखिए, फिर से फ्लिपकार्ट से मेरा एक पार्सल आया है, तो हम दिखाते हैं। ये देखिए क्या है, होम प्रो। अब हम जैसा देखे थे वैसा ही है या फिर कुछ अलग है वो हम देखते हैं। इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये देखिए, अनबॉक्सिंग करने के लिए सबसे पहले रेडी रहता है। इसको इधर से कट कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर बॉक्स है, अब देखते वही है या फिर दूसरा है। ये देखो, ये तो बहुत बड़ा है। ऐसा लग रहा है, मैं सोच रही हूँ ऐसा उल्टा क्यों था, ये ऐसा लगने वाला है। और ये ढक्कन इतना मोटा है पर हल्का है, पता नहीं क्यों, अंदर कुछ तो है ऐसा, जबकि हल्का है। ये यहाँ से पैक किया हुआ है। ये थोड़ा बड़ा है, मतलब बड़ा बड़ा रोटी बना सकते हैं। वैसे ठीक है फ्रेंड्स, मेरे लिए ठीक है क्योंकि हमारे घर में रोटी ज़्यादा बनता है। तो ये देखिए पैक कैसा हो गया और इसको हम रख सकते हैं। तो इसमें रोटी गर्म रहे या ना रहे पर नरम ज़रूर रहेगा, क्योंकि ऐसे हम रोटी रखते तो सूख जाता है, इसके लिए हम लाए हैं। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, देखिए कितना मुझे बहुत पसंद आया है। थोड़ा हल्का है, पतला है और ये थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा है, कि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, इतना चलेगा। ये थोड़ा सा एक चिपका हुआ है ना, तो थोड़ा आगे पीछे, बाकी सब ठीक है। तो ऐसे हम जो फ्लिपकार्ट से लाए थे पिछले बार, उससे तो ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। पर ये बड़ा बहुत है, जैसे जिसके घर में परिवार कम है तो वो छोटा ले, क्योंकि ये मुझे बहुत बड़ा लगता है। इसमें हम चावल रख सकते हैं कम से कम 6 से 7 लोगों का भर के पूरा। और छोटा रोटी तो रखाएगा नहीं, मतलब कम, अगर छोटा छोटा बनाएंगे तो इतना, देखिए इतना ही आएगा। ये हमारा देखिए हाथ से कितना बड़ा है, मतलब कढ़ाई के इतना है, ये ज़्यादा ही बड़ा है। वैसा मस्त है, ये अच्छा है। तो थैंक यू फ्लिपकार्ट, पर कभी कभी आप लोग ऐसा प्रोडक्ट भेजते हो ना बहुत गंदा रहता है, जो कि हमें वापस करना पड़ता है। प्लीज़ इसी तरह से भेजा कीजिए, ये ना ही बहुत अच्छा है और ना ही ख़राब है, मीडियम साइज चलने लायक है, 800 रुपये का, ठीक है। तो आप सबको वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।